हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में यानी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 OTT पर रिलीज होने वाली, इसके बारे में जानकारी दूंगी। यानी गौतम और प्रिया मनिक स्टार फिल्म 370 फरवरी में सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया था। आदित्य सुहास जामले के निर्देशक और आदित्य धर द्वारा निर्मित राजनीतिक एक्शन थ्रिलर फिल्म दर्शकों को OTT पर रिलीज का इंतजार था और ये फिल्म अब OTT पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म में कुछ दिन पहले एक्टर यामी गौतम ने फिल्म सिनेमा घर में 50 दिन पूरे होने पर पोस्ट साझा किया था। अब जिस दर्शकों ने ये मूवी थिएटर में नहीं देख पाए हैं, वे अब OTT पर देख सकते हैं। ये फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है और नेटफ्लिक्स ने इसका पोस्टर साझा किया है और ये जानकारी दी है कि अब ये फिल्म कभी भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। आर्टिकल 370 इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 81 करोड़ का बिजनेस किया था और वर्ल्ड वाइज 109 करोड़ का बिजनेस किया था। इस फिल्म की कहानी आर्टिकल 370 की कहानी कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के पीएम मोदी के फैसले पर देखने को मिली है। इस फिल्म में राजनीतिक मतभेद, ईर्ष्या और इस फैसले से प्रभावित अन्य चीजों को बखूबी दिखाया गया है। वही यामी गौतम ने फिल्म में IBF ऑफिसर का किरदार निभाया है और पीएम मोदी की भूमिका में अरुण गोविल दिखाई दिए हैं। इनके अलावा फिल्म में किरण करमरकर और प्रिया मनिक नजर आई है और ये फिल्म आप कभी भी देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में यानी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 OTT पर रिलीज होने वाली, इसके बारे में जानकारी दूंगी। यानी गौतम और प्रिया मनिक स्टार फिल्म 370 फरवरी में सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया था। आदित्य सुहास जामले के निर्देशक और आदित्य धर द्वारा निर्मित राजनीतिक एक्शन थ्रिलर फिल्म दर्शकों को OTT पर रिलीज का इंतजार था और ये फिल्म अब OTT पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म में कुछ दिन पहले एक्टर यामी गौतम ने फिल्म सिनेमा घर में 50 दिन पूरे होने पर पोस्ट साझा किया था। अब जिस दर्शकों ने ये मूवी थिएटर में नहीं देख पाए हैं, वे अब OTT पर देख सकते हैं। ये फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है और नेटफ्लिक्स ने इसका पोस्टर साझा किया है और ये जानकारी दी है कि अब ये फिल्म कभी भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। आर्टिकल 370 इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 81 करोड़ का बिजनेस किया था और वर्ल्ड वाइज 109 करोड़ का बिजनेस किया था। इस फिल्म की कहानी आर्टिकल 370 की कहानी कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के पीएम मोदी के फैसले पर देखने को मिली है। इस फिल्म में राजनीतिक मतभेद, ईर्ष्या और इस फैसले से प्रभावित अन्य चीजों को बखूबी दिखाया गया है। वही यामी गौतम ने फिल्म में IBF ऑफिसर का किरदार निभाया है और पीएम मोदी की भूमिका में अरुण गोविल दिखाई दिए हैं। इनके अलावा फिल्म में किरण करमरकर और प्रिया मनिक नजर आई है और ये फिल्म आप कभी भी देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में यानी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 OTT पर रिलीज होने वाली, इसके बारे में जानकारी दूंगी। यानी गौतम और प्रिया मनिक स्टार फिल्म 370 फरवरी में सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया था। आदित्य सुहास जामले के निर्देशक और आदित्य धर द्वारा निर्मित राजनीतिक एक्शन थ्रिलर फिल्म दर्शकों को OTT पर रिलीज का इंतजार था और ये फिल्म अब OTT पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म में कुछ दिन पहले एक्टर यामी गौतम ने फिल्म सिनेमा घर में 50 दिन पूरे होने पर पोस्ट साझा किया था। अब जिस दर्शकों ने ये मूवी थिएटर में नहीं देख पाए हैं, वे अब OTT पर देख सकते हैं। ये फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है और नेटफ्लिक्स ने इसका पोस्टर साझा किया है और ये जानकारी दी है कि अब ये फिल्म कभी भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। आर्टिकल 370 इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 81 करोड़ का बिजनेस किया था और वर्ल्ड वाइज 109 करोड़ का बिजनेस किया था। इस फिल्म की कहानी आर्टिकल 370 की कहानी कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के पीएम मोदी के फैसले पर देखने को मिली है।
इस फिल्म में राजनीतिक मतभेद, ईर्ष्या और इस फैसले से प्रभावित अन्य चीजों को बखूबी दिखाया गया है। वही यामी गौतम ने फिल्म में IBF ऑफिसर का किरदार निभाया है और PM मोदी की भूमिका में अरुण गोविल दिखाई दिए हैं। इनके अलावा फिल्म में किरण करमरकर और प्रिया मलिक नजर आई है और ये फिल्म आप कभी भी देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 OTT पर रिलीज होने वाली, इसके बारे में जानकारी दूंगी। यामी गौतम और प्रिया मलिक स्टार फिल्म 370 फरवरी में सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया था। आदित्य सुहास जामले के निर्देशक और आदित्य धर द्वारा निर्मित राजनीतिक एक्शन थ्रिलर फिल्म दर्शकों को OTT पर रिलीज का इंतजार था और ये फिल्म अब OTT पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म में कुछ दिन पहले एक्टर यामी गौतम ने फिल्म सिनेमा घर में 50 दिन पूरे होने पर पोस्ट साझा किया था। अब जिस दर्शकों ने ये मूवी थिएटर में नहीं देख पाए हैं, वे अब OTT पर देख सकते हैं। ये फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है और नेटफ्लिक्स ने इसका पोस्टर साझा किया है और ये जानकारी दी है कि अब ये फिल्म कभी भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। आर्टिकल 370 इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 81 करोड़ का बिजनेस किया था और वर्ल्ड वाइज 109 करोड़ का बिजनेस किया था। इस फिल्म की कहानी आर्टिकल 370 की कहानी कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के PM मोदी के फैसले पर देखने को मिली है। इस फिल्म में राजनीतिक मतभेद, ईर्ष्या और इस फैसले से प्रभावित अन्य चीजों को बखूबी दिखाया गया है। वही यामी गौतम ने फिल्म में IBF ऑफिसर का किरदार निभाया है और PM मोदी की भूमिका में अरुण गोविल दिखाई दिए हैं। इनके अलावा फिल्म में किरण करमरकर और प्रिया मलिक नजर आई है और ये फिल्म आप कभी भी देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 OTT पर रिलीज होने वाली, इसके बारे में जानकारी दूंगी। यामी गौतम और प्रिया मलिक स्टार फिल्म 370 फरवरी में सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया था। आदित्य सुहास जामले के निर्देशक और आदित्य धर द्वारा निर्मित राजनीतिक एक्शन थ्रिलर फिल्म दर्शकों को OTT पर रिलीज का इंतजार था और ये फिल्म अब OTT पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म में कुछ दिन पहले एक्टर यामी गौतम ने फिल्म सिनेमा घर में 50 दिन पूरे होने पर पोस्ट साझा किया था। अब जिस दर्शकों ने ये मूवी थिएटर में नहीं देख पाए हैं, वे अब OTT पर देख सकते हैं। ये फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है और नेटफ्लिक्स ने इसका पोस्टर साझा किया है और ये जानकारी दी है कि अब ये फिल्म कभी भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। आर्टिकल 370 इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 81 करोड़ का बिजनेस किया था और वर्ल्ड वाइज 109 करोड़ का बिजनेस किया था। इस फिल्म की कहानी आर्टिकल 370 की कहानी कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के PM मोदी के फैसले पर देखने को मिली है। इस फिल्म में राजनीतिक मतभेद, ईर्ष्या और इस फैसले से प्रभावित अन्य चीजों को बखूबी दिखाया गया है। वही यामी गौतम ने फिल्म में IBF ऑफिसर का किरदार निभाया है और PM मोदी की भूमिका में अरुण गोविल दिखाई दिए हैं। इनके अलावा फिल्म में किरण करमरकर और प्रिया मलिक नजर आई है और ये फिल्म आप कभी भी देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 OTT पर रिलीज होने वाली, इसके बारे में जानकारी दूंगी। यामी गौतम और प्रिया मलिक स्टार फिल्म 370 फरवरी में सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया था। आदित्य सुहास जामले के निर्देशक और आदित्य धर द्वारा निर्मित राजनीतिक एक्शन थ्रिलर फिल्म दर्शकों को OTT पर रिलीज का इंतजार था और ये फिल्म अब OTT पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म में कुछ दिन पहले एक्टर यामी गौतम ने फिल्म सिनेमा घर में 50 दिन पूरे होने पर
पोस्ट साझा किया था। अब जिस दर्शकों ने ये मूवी थिएटर में नहीं देख पाए हैं, वे अब ओटीटी पर देख सकते हैं। ये फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है और नेटफ्लिक्स ने इसका पोस्टर साझा किया है और ये जानकारी दी है कि अब ये फिल्म कभी भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। आर्टिकल 370। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 81 करोड़ का बिजनेस किया था और वर्ल्ड वाइड 109 करोड़ का बिजनेस किया था। इस फिल्म की कहानी आर्टिकल 370 की कहानी कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के पीएम मोदी के फैसले पर देखने को मिली है। इस फिल्म में राजनीतिक मतभेद, ईर्ष्या और इस फैसले से प्रभावित अन्य चीजों को बखूबी दिखाया गया है। वही यामी गौतम ने फिल्म में आईबीएफ ऑफिसर का किरदार निभाया है और पीएम मोदी की भूमिका में अरुण गोविल दिखाई दिए हैं। इनके अलावा फिल्म में किरण करमरकर और प्रिया मलिक नजर आई है और ये फिल्म आप कभी भी देख सकते है, नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 ओटीटी पर रिलीज होने वाली, इसके बारे में जानकारी दूंगी। यामी गौतम और प्रिया मलिक स्टार फिल्म 370 फरवरी में सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया था। आदित्य सुहास जामले के निर्देशक और आदित्य धर द्वारा निर्मित राजनीतिक एक्शन थ्रिलर फिल्म दर्शकों को ओटीटी पर रिलीज का इंतजार था और ये फिल्म अब ओटीटी पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म में कुछ दिन पहले एक्टर यामी गौतम ने फिल्म सिनेमा घर में 50 दिन पूरे होने पर पोस्ट साझा किया था। अब जिस दर्शकों ने ये मूवी थिएटर में नहीं देख पाए हैं, वे अब ओटीटी पर देख सकते हैं। ये फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है और नेटफ्लिक्स ने इसका पोस्टर साझा किया है और ये जानकारी दी है कि अब ये फिल्म कभी भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। आर्टिकल 370। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 81 करोड़ का बिजनेस किया था और वर्ल्ड वाइड 109 करोड़ का बिजनेस किया था। इस फिल्म की कहानी आर्टिकल 370 की कहानी कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के पीएम मोदी के फैसले पर देखने को मिली है। इस फिल्म में राजनीतिक मतभेद, ईर्ष्या और इस फैसले से प्रभावित अन्य चीजों को बखूबी दिखाया गया है। वही यामी गौतम ने फिल्म में आईबीएफ ऑफिसर का किरदार निभाया है और पीएम मोदी की भूमिका में अरुण गोविल दिखाई दिए हैं। इनके अलावा फिल्म में किरण करमरकर और प्रिया मलिक नजर आई है और ये फिल्म आप कभी भी देख सकते है, नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 ओटीटी पर रिलीज होने वाली, इसके बारे में जानकारी दूंगी। यामी गौतम और प्रिया मलिक स्टार फिल्म 370 फरवरी में सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया था। आदित्य सुहास जामले के निर्देशक और आदित्य धर द्वारा निर्मित राजनीतिक एक्शन थ्रिलर फिल्म दर्शकों को ओटीटी पर रिलीज का इंतजार था और ये फिल्म अब ओटीटी पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म में कुछ दिन पहले एक्टर यामी गौतम ने फिल्म सिनेमा घर में 50 दिन पूरे होने पर पोस्ट साझा किया था। अब जिस दर्शकों ने ये मूवी थिएटर में नहीं देख पाए हैं, वे अब ओटीटी पर देख सकते हैं। ये फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है और नेटफ्लिक्स ने इसका पोस्टर साझा किया है और ये जानकारी दी है कि अब ये फिल्म कभी भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। आर्टिकल 370। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 81 करोड़ का बिजनेस किया था और वर्ल्ड वाइड 109 करोड़ का बिजनेस किया था। इस फिल्म की कहानी आर्टिकल 370 की कहानी कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के पीएम मोदी के फैसले पर देखने को मिली है। इस फिल्म में राजनीतिक मतभेद, ईर्ष्या और इस फैसले से प्रभावित अन्य चीजों को बखूबी दिखाया गया है। वही यामी गौतम ने फिल्म में आईबीएफ ऑफिसर का किरदार निभाया है और पीएम मोदी की भूमिका में अरुण गोविल दिखाई दिए हैं। इनके अलावा फिल्म में किरण करमरकर और प्रिया मलिक नजर आई है और ये फिल्म आप कभी भी देख सकते है, नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 ओटीटी पर रिलीज होने वाली, इसके बारे में जानकारी दूंगी। यामी गौतम
और प्रिया मनिक स्टार फिल्म 370 फरवरी में सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया था। आदित्य सुहास जामले के निर्देशक और आदित्य धर द्वारा निर्मित राजनीतिक एक्शन थ्रिलर फिल्म दर्शकों को ओटीटी पर रिलीज का इंतजार था और ये फिल्म अब ओटीटी पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म में कुछ दिन पहले एक्टर यामी गौतम ने फिल्म सिनेमा घर में 50 दिन पूरे होने पर पोस्ट साझा किया था। अब जिस दर्शकों ने ये मूवी थिएटर में नहीं देख पाए हैं, वे अब ओटीटी पर देख सकते हैं। ये फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है और नेटफ्लिक्स ने इसका पोस्टर साझा किया है और ये जानकारी दी है कि अब ये फिल्म कभी भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। आर्टिकल 370। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 81 करोड़ का बिजनेस किया था और वर्ल्ड वाइज 109 करोड़ का बिजनेस किया था। इस फिल्म की कहानी आर्टिकल 370 की कहानी कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के पीएम मोदी के फैसले पर देखने को मिली है। इस फिल्म में राजनीतिक मतभेद, ईर्ष्या और इस फैसले से प्रभावित अन्य चीजों को बखूबी दिखाया गया है। वही यामी गौतम ने फिल्म में आईबीएफ ऑफिसर का किरदार निभाया है और पीएम मोदी की भूमिका में अरुण गोविल दिखाई दिए है। इनके अलावा फिल्म में किरण कर्मकर और प्रिया मलिक नजर आई है और ये फिल्म आप कभी भी देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 ओटीटी पर रिलीज होने वाली, इसके बारे में जानकारी दूंगी। यामी गौतम और प्रिया मनिक स्टार फिल्म 370 फरवरी में सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया था। आदित्य सुहास जामले के निर्देशक और आदित्य धर द्वारा निर्मित राजनीतिक एक्शन थ्रिलर फिल्म दर्शकों को ओटीटी पर रिलीज का इंतजार था और ये फिल्म अब ओटीटी पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म में कुछ दिन पहले एक्टर यामी गौतम ने फिल्म सिनेमा घर में 50 दिन पूरे होने पर पोस्ट साझा किया था। अब जिस दर्शकों ने ये मूवी थिएटर में नहीं देख पाए हैं, वे अब ओटीटी पर देख सकते हैं। ये फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है और नेटफ्लिक्स ने इसका पोस्टर साझा किया है और ये जानकारी दी है कि अब ये फिल्म कभी भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। आर्टिकल 370। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 81 करोड़ का बिजनेस किया था और वर्ल्ड वाइज 109 करोड़ का बिजनेस किया था। इस फिल्म की कहानी आर्टिकल 370 की कहानी कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के पीएम मोदी के फैसले पर देखने को मिली है। इस फिल्म में राजनीतिक मतभेद, ईर्ष्या और इस फैसले से प्रभावित अन्य चीजों को बखूबी दिखाया गया है। वही यामी गौतम ने फिल्म में आईबीएफ ऑफिसर का किरदार निभाया है और पीएम मोदी की भूमिका में अरुण गोविल दिखाई दिए है। इनके अलावा फिल्म में किरण कर्मकर और प्रिया मलिक नजर आई है और ये फिल्म आप कभी भी देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 ओटीटी पर रिलीज होने वाली, इसके बारे में जानकारी दूंगी। यामी गौतम और प्रिया मनिक स्टार फिल्म 370 फरवरी में सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया था। आदित्य सुहास जामले के निर्देशक और आदित्य धर द्वारा निर्मित राजनीतिक एक्शन थ्रिलर फिल्म दर्शकों को ओटीटी पर रिलीज का इंतजार था और ये फिल्म अब ओटीटी पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म में कुछ दिन पहले एक्टर यामी गौतम ने फिल्म सिनेमा घर में 50 दिन पूरे होने पर पोस्ट साझा किया था। अब जिस दर्शकों ने ये मूवी थिएटर में नहीं देख पाए हैं, वे अब ओटीटी पर देख सकते हैं। ये फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है और नेटफ्लिक्स ने इसका पोस्टर साझा किया है और ये जानकारी दी है कि अब ये फिल्म कभी भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। आर्टिकल 370। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 81 करोड़ का बिजनेस किया था और वर्ल्ड वाइज 109 करोड़ का बिजनेस किया था। इस फिल्म की कहानी आर्टिकल 370 की कहानी कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के पीएम मोदी के फैसले पर देखने को मिली है। इस फिल्म में राजनीतिक मतभेद, ईर्ष्या और इस फैसले से प्रभावित अन्य चीजों को बखूबी दिखाया गया है। वही यामी गौतम ने फिल्म में आईबीएफ ऑफिसर का किरदार निभाया है और पीएम मोदी की भूमिका में अरुण गोविल दिखाई दिए है।
इनके अलावा फिल्म में किरण करमरकर और प्रिया मलिक नजर आई है और ये फिल्म आप कभी भी देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में यानी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 OTT पर रिलीज होने वाली, इसके बारे में जानकारी दूंगी। यानी गौतम और प्रिया मलिक स्टार फिल्म 370 फरवरी में सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया था। आदित्य सुहास जामले के निर्देशक और आदित्य धर द्वारा निर्मित राजनीतिक एक्शन थ्रिलर फिल्म दर्शकों को OTT पर रिलीज का इंतजार था और ये फिल्म अब OTT पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म में कुछ दिन पहले एक्टर यामी गौतम ने फिल्म सिनेमा घर में 50 दिन पूरे होने पर पोस्ट साझा किया था। अब जिस दर्शकों ने ये मूवी थिएटर में नहीं देख पाए हैं, वे अब OTT पर देख सकते हैं। ये फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है और नेटफ्लिक्स ने इसका पोस्टर साझा किया है और ये जानकारी दी है कि अब ये फिल्म कभी भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। आर्टिकल 370 इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 81 करोड़ का बिजनेस किया था और वर्ल्ड वाइड 109 करोड़ का बिजनेस किया था। इस फिल्म की कहानी आर्टिकल 370 की कहानी कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के पीएम मोदी के फैसले पर देखने को मिली है। इस फिल्म में राजनीतिक मतभेद, ईर्ष्या और इस फैसले से प्रभावित अन्य चीजों को बखूबी दिखाया गया है। वही यामी गौतम ने फिल्म में IBF ऑफिसर का किरदार निभाया है और पीएम मोदी की भूमिका में अरुण गोविल दिखाई दिए हैं। इनके अलावा फिल्म में किरण करमरकर और प्रिया मलिक नजर आई है और ये फिल्म आप कभी भी देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में यानी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 OTT पर रिलीज होने वाली, इसके बारे में जानकारी दूंगी। यानी गौतम और प्रिया मलिक स्टार फिल्म 370 फरवरी में सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया था। आदित्य सुहास जामले के निर्देशक और आदित्य धर द्वारा निर्मित राजनीतिक एक्शन थ्रिलर फिल्म दर्शकों को OTT पर रिलीज का इंतजार था और ये फिल्म अब OTT पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म में कुछ दिन पहले एक्टर यामी गौतम ने फिल्म सिनेमा घर में 50 दिन पूरे होने पर पोस्ट साझा किया था। अब जिस दर्शकों ने ये मूवी थिएटर में नहीं देख पाए हैं, वे अब OTT पर देख सकते हैं। ये फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है और नेटफ्लिक्स ने इसका पोस्टर साझा किया है और ये जानकारी दी है कि अब ये फिल्म कभी भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। आर्टिकल 370 इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 81 करोड़ का बिजनेस किया था और वर्ल्ड वाइड 109 करोड़ का बिजनेस किया था। इस फिल्म की कहानी आर्टिकल 370 की कहानी कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के पीएम मोदी के फैसले पर देखने को मिली है। इस फिल्म में राजनीतिक मतभेद, ईर्ष्या और इस फैसले से प्रभावित अन्य चीजों को बखूबी दिखाया गया है। वही यामी गौतम ने फिल्म में IBF ऑफिसर का किरदार निभाया है और पीएम मोदी की भूमिका में अरुण गोविल दिखाई दिए हैं। इनके अलावा फिल्म में किरण करमरकर और प्रिया मलिक नजर आई है और ये फिल्म आप कभी भी देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में यानी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 OTT पर रिलीज होने वाली, इसके बारे में जानकारी दूंगी। यानी गौतम और प्रिया मलिक स्टार फिल्म 370 फरवरी में सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया था। आदित्य सुहास जामले के निर्देशक और आदित्य धर द्वारा निर्मित राजनीतिक एक्शन थ्रिलर फिल्म दर्शकों को OTT पर रिलीज का इंतजार था और ये फिल्म अब OTT पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म में कुछ दिन पहले एक्टर यामी गौतम ने फिल्म सिनेमा घर में 50 दिन पूरे होने पर पोस्ट साझा किया था। अब जिस दर्शकों ने ये मूवी थिएटर में नहीं देख पाए हैं, वे अब OTT पर देख सकते हैं। ये फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है और नेटफ्लिक्स ने इसका पोस्टर साझा किया है और ये जानकारी दी है कि अब ये फिल्म कभी भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। आर्टिकल 370 इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 81 करोड़ का बिजनेस किया था और वर्ल्ड वाइड 109 करोड़ का बिजनेस किया था। इस फिल्म की कहानी आर्टिकल 370 की कहानी कश्मीर से
धारा 370 हटाए जाने के पीएम मोदी के फैसले पर देखने को मिली है। इस फिल्म में राजनीतिक मतभेद, ईर्ष्या और इस फैसले से प्रभावित अन्य चीजों को बखूबी दिखाया गया है। वही यामी गौतम ने फिल्म में आईबीएफ ऑफिसर का किरदार निभाया है और पीएम मोदी की भूमिका में अरुण गोविल दिखाई दिए हैं। इनके अलावा फिल्म में किरण करमरकर और प्रिया मलिक नजर आई है और ये फिल्म आप कभी भी देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 OTT पर रिलीज होने वाली, इसके बारे में जानकारी दूंगी। यामी गौतमी और प्रिया मलिक स्टार फिल्म 370 फरवरी में सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया था। आदित्य सुहास जामले के निर्देशक और आदित्य धर द्वारा निर्मित राजनीतिक एक्शन थ्रिलर फिल्म दर्शकों को OTT पर रिलीज का इंतजार था और ये फिल्म अब OTT पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म में कुछ दिन पहले एक्टर यामी गौतम ने फिल्म सिनेमा घर में 50 दिन पूरे होने पर पोस्ट साझा किया था। अब जिस दर्शकों ने ये मूवी थिएटर में नहीं देख पाए हैं, वे अब OTT पर देख सकते हैं। ये फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है और नेटफ्लिक्स ने इसका पोस्टर साझा किया है और ये जानकारी दी है कि अब ये फिल्म कभी भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। आर्टिकल 370 इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 81 करोड़ का बिजनेस किया था और वर्ल्ड वाइज 109 करोड़ का बिजनेस किया था। इस फिल्म की कहानी आर्टिकल 370 की कहानी कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के पीएम मोदी के फैसले पर देखने को मिली है। इस फिल्म में राजनीतिक मतभेद, ईर्ष्या और इस फैसले से प्रभावित अन्य चीजों को बखूबी दिखाया गया है। वही यामी गौतम ने फिल्म में आईबीएफ ऑफिसर का किरदार निभाया है और पीएम मोदी की भूमिका में अरुण गोविल दिखाई दिए हैं। इनके अलावा फिल्म में किरण करमरकर और प्रिया मलिक नजर आई है और ये फिल्म आप कभी भी देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 OTT पर रिलीज होने वाली, इसके बारे में जानकारी दूंगी। यामी गौतमी और प्रिया मलिक स्टार फिल्म 370 फरवरी में सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया था। आदित्य सुहास जामले के निर्देशक और आदित्य धर द्वारा निर्मित राजनीतिक एक्शन थ्रिलर फिल्म दर्शकों को OTT पर रिलीज का इंतजार था और ये फिल्म अब OTT पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म में कुछ दिन पहले एक्टर यामी गौतम ने फिल्म सिनेमा घर में 50 दिन पूरे होने पर पोस्ट साझा किया था। अब जिस दर्शकों ने ये मूवी थिएटर में नहीं देख पाए हैं, वे अब OTT पर देख सकते हैं। ये फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है और नेटफ्लिक्स ने इसका पोस्टर साझा किया है और ये जानकारी दी है कि अब ये फिल्म कभी भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। आर्टिकल 370 इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 81 करोड़ का बिजनेस किया था और वर्ल्ड वाइज 109 करोड़ का बिजनेस किया था। इस फिल्म की कहानी आर्टिकल 370 की कहानी कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के पीएम मोदी के फैसले पर देखने को मिली है। इस फिल्म में राजनीतिक मतभेद, ईर्ष्या और इस फैसले से प्रभावित अन्य चीजों को बखूबी दिखाया गया है। वही यामी गौतम ने फिल्म में आईबीएफ ऑफिसर का किरदार निभाया है और पीएम मोदी की भूमिका में अरुण गोविल दिखाई दिए हैं। इनके अलावा फिल्म में किरण करमरकर और प्रिया मलिक नजर आई है और ये फिल्म आप कभी भी देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 OTT पर रिलीज होने वाली, इसके बारे में जानकारी दूंगी। यामी गौतमी और प्रिया मलिक स्टार फिल्म 370 फरवरी में सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया था। आदित्य सुहास जामले के निर्देशक और आदित्य धर द्वारा निर्मित राजनीतिक एक्शन थ्रिलर फिल्म दर्शकों को OTT पर रिलीज का इंतजार था और ये फिल्म अब OTT पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म में कुछ दिन पहले एक्टर यामी गौतम ने फिल्म सिनेमा घर में 50 दिन पूरे होने पर
पोस्ट साझा किया था। अब जिस दर्शकों ने ये मूवी थिएटर में नहीं देख पाए हैं, वे अब ओटीटी पर देख सकते हैं। ये फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है और नेटफ्लिक्स ने इसका पोस्टर साझा किया है और ये जानकारी दी है कि अब ये फिल्म कभी भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। आर्टिकल 370। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 81 करोड़ का बिजनेस किया था और वर्ल्ड वाइड 109 करोड़ का बिजनेस किया था। इस फिल्म की कहानी आर्टिकल 370 की कहानी कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के पीएम मोदी के फैसले पर देखने को मिली है। इस फिल्म में राजनीतिक मतभेद, ईर्ष्या और इस फैसले से प्रभावित अन्य चीजों को बखूबी दिखाया गया है। वही यामी गौतम ने फिल्म में आईबीएफ ऑफिसर का किरदार निभाया है और पीएम मोदी की भूमिका में अरुण गोविल दिखाई दिए है। इनके अलावा फिल्म में किरण करमरकर और प्रिया मनिक नजर आई है और ये फिल्म आप कभी भी देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 ओटीटी पर रिलीज होने वाली, इसके बारे में जानकारी दूंगी। यामी गौतम और प्रिया मनिक स्टार फिल्म 370 फरवरी में सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया था। आदित्य सुहास जामले के निर्देशक और आदित्य धर द्वारा निर्मित राजनीतिक एक्शन थ्रिलर फिल्म दर्शकों को ओटीटी पर रिलीज का इंतजार था और ये फिल्म अब ओटीटी पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म में कुछ दिन पहले एक्टर यामी गौतम ने फिल्म सिनेमा घर में 50 दिन पूरे होने पर पोस्ट साझा किया था। अब जिस दर्शकों ने ये मूवी थिएटर में नहीं देख पाए हैं, वे अब ओटीटी पर देख सकते हैं। ये फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है और नेटफ्लिक्स ने इसका पोस्टर साझा किया है और ये जानकारी दी है कि अब ये फिल्म कभी भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। आर्टिकल 370। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 81 करोड़ का बिजनेस किया था और वर्ल्ड वाइड 109 करोड़ का बिजनेस किया था। इस फिल्म की कहानी आर्टिकल 370 की कहानी कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के पीएम मोदी के फैसले पर देखने को मिली है। इस फिल्म में राजनीतिक मतभेद, ईर्ष्या और इस फैसले से प्रभावित अन्य चीजों को बखूबी दिखाया गया है। वही यामी गौतम ने फिल्म में आईबीएफ ऑफिसर का किरदार निभाया है और पीएम मोदी की भूमिका में अरुण गोविल दिखाई दिए है। इनके अलावा फिल्म में किरण करमरकर और प्रिया मनिक नजर आई है और ये फिल्म आप कभी भी देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 ओटीटी पर रिलीज होने वाली, इसके बारे में जानकारी दूंगी। यामी गौतम और प्रिया मनिक स्टार फिल्म 370 फरवरी में सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया था। आदित्य सुहास जामले के निर्देशक और आदित्य धर द्वारा निर्मित राजनीतिक एक्शन थ्रिलर फिल्म दर्शकों को ओटीटी पर रिलीज का इंतजार था और ये फिल्म अब ओटीटी पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म में कुछ दिन पहले एक्टर यामी गौतम ने फिल्म सिनेमा घर में 50 दिन पूरे होने पर पोस्ट साझा किया था। अब जिस दर्शकों ने ये मूवी थिएटर में नहीं देख पाए हैं, वे अब ओटीटी पर देख सकते हैं। ये फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है और नेटफ्लिक्स ने इसका पोस्टर साझा किया है और ये जानकारी दी है कि अब ये फिल्म कभी भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। आर्टिकल 370। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 81 करोड़ का बिजनेस किया था और वर्ल्ड वाइड 109 करोड़ का बिजनेस किया था। इस फिल्म की कहानी आर्टिकल 370 की कहानी कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के पीएम मोदी के फैसले पर देखने को मिली है। इस फिल्म में राजनीतिक मतभेद, ईर्ष्या और इस फैसले से प्रभावित अन्य चीजों को बखूबी दिखाया गया है। वही यामी गौतम ने फिल्म में आईबीएफ ऑफिसर का किरदार निभाया है और पीएम मोदी की भूमिका में अरुण गोविल दिखाई दिए है। इनके अलावा फिल्म में किरण करमरकर और प्रिया मनिक नजर आई है और ये फिल्म आप कभी भी देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 ओटीटी पर रिलीज होने वाली, इसके बारे में जानकारी दूंगी। यामी गौतम
और प्रिया मनिक स्टार फिल्म 370 फरवरी में सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया था। आदित्य सुहास जामले के निर्देशक और आदित्य धर द्वारा निर्मित राजनीतिक एक्शन थ्रिलर फिल्म दर्शकों को OTT पर रिलीज का इंतजार था और ये फिल्म अब OTT पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म में कुछ दिन पहले एक्टर यामी गौतम ने फिल्म सिनेमा घर में 50 दिन पूरे होने पर पोस्ट साझा किया था। अब जिस दर्शकों ने ये मूवी थिएटर में नहीं देख पाए हैं, वे अब OTT पर देख सकते हैं। ये फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है और नेटफ्लिक्स ने इसका पोस्टर साझा किया है और ये जानकारी दी है कि अब ये फिल्म कभी भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। आर्टिकल 370। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 81 करोड़ का बिजनेस किया था और वर्ल्ड वाइड 109 करोड़ का बिजनेस किया था। इस फिल्म की कहानी आर्टिकल 370 की कहानी कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के पीएम मोदी के फैसले पर देखने को मिली है। इस फिल्म में राजनीतिक मतभेद, ईर्ष्या और इस फैसले से प्रभावित अन्य चीजों को बखूबी दिखाया गया है। वही यामी गौतम ने फिल्म में IBF ऑफिसर का किरदार निभाया है और पीएम मोदी की भूमिका में अरुण गोविल दिखाई दिए हैं। इनके अलावा फिल्म में किरण करमरकर और प्रिया मलिक नजर आई है और ये फिल्म आप कभी भी देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 OTT पर रिलीज होने वाली, इसके बारे में जानकारी दूंगी। यामी गौतम और प्रिया मनिक स्टार फिल्म 370 फरवरी में सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया था। आदित्य सुहास जामले के निर्देशक और आदित्य धर द्वारा निर्मित राजनीतिक एक्शन थ्रिलर फिल्म दर्शकों को OTT पर रिलीज का इंतजार था और ये फिल्म अब OTT पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म में कुछ दिन पहले एक्टर यामी गौतम ने फिल्म सिनेमा घर में 50 दिन पूरे होने पर पोस्ट साझा किया था। अब जिस दर्शकों ने ये मूवी थिएटर में नहीं देख पाए हैं, वे अब OTT पर देख सकते हैं। ये फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है और नेटफ्लिक्स ने इसका पोस्टर साझा किया है और ये जानकारी दी है कि अब ये फिल्म कभी भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। आर्टिकल 370। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 81 करोड़ का बिजनेस किया था और वर्ल्ड वाइड 109 करोड़ का बिजनेस किया था। इस फिल्म की कहानी आर्टिकल 370 की कहानी कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के पीएम मोदी के फैसले पर देखने को मिली है। इस फिल्म में राजनीतिक मतभेद, ईर्ष्या और इस फैसले से प्रभावित अन्य चीजों को बखूबी दिखाया गया है। वही यामी गौतम ने फिल्म में IBF ऑफिसर का किरदार निभाया है और पीएम मोदी की भूमिका में अरुण गोविल दिखाई दिए हैं। इनके अलावा फिल्म में किरण करमरकर और प्रिया मलिक नजर आई है और ये फिल्म आप कभी भी देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 OTT पर रिलीज होने वाली, इसके बारे में जानकारी दूंगी। यामी गौतम और प्रिया मनिक स्टार फिल्म 370 फरवरी में सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया था। आदित्य सुहास जामले के निर्देशक और आदित्य धर द्वारा निर्मित राजनीतिक एक्शन थ्रिलर फिल्म दर्शकों को OTT पर रिलीज का इंतजार था और ये फिल्म अब OTT पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म में कुछ दिन पहले एक्टर यामी गौतम ने फिल्म सिनेमा घर में 50 दिन पूरे होने पर पोस्ट साझा किया था। अब जिस दर्शकों ने ये मूवी थिएटर में नहीं देख पाए हैं, वे अब OTT पर देख सकते हैं। ये फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है और नेटफ्लिक्स ने इसका पोस्टर साझा किया है और ये जानकारी दी है कि अब ये फिल्म कभी भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। आर्टिकल 370। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 81 करोड़ का बिजनेस किया था और वर्ल्ड वाइड 109 करोड़ का बिजनेस किया था। इस फिल्म की कहानी आर्टिकल 370 की कहानी कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के पीएम मोदी के फैसले पर देखने को मिली है। इस फिल्म में राजनीतिक मतभेद, ईर्ष्या और इस फैसले से प्रभावित अन्य चीजों को बखूबी दिखाया गया है। वही यामी गौतम ने फिल्म में IBF ऑफिसर का किरदार निभाया है और पीएम मोदी की भूमिका में अरुण गोविल दिखाई दिए हैं।
इनके अलावा फिल्म में किरण कर्मकर और प्रिया मनिक नजर आई है और ये फिल्म आप कभी भी देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में यानी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 OTT पर रिलीज होने वाली, इसके बारे में जानकारी दूंगी। यानी गौतम और प्रिया मनिक स्टार फिल्म 370 फरवरी में सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया था। आदित्य सुहास जामले के निर्देशक और आदित्य धर द्वारा निर्मित राजनीतिक एक्शन थ्रिलर फिल्म दर्शकों को OTT पर रिलीज का इंतजार था और ये फिल्म अब OTT पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म में कुछ दिन पहले एक्टर यामी गौतम ने फिल्म सिनेमा घर में 50 दिन पूरे होने पर पोस्ट साझा किया था। अब जिस दर्शकों ने ये मूवी थिएटर में नहीं देख पाए हैं, वे अब OTT पर देख सकते हैं। ये फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है और नेटफ्लिक्स ने इसका पोस्टर साझा किया है और ये जानकारी दी है कि अब ये फिल्म कभी भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। आर्टिकल 370 इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 81 करोड़ का बिजनेस किया था और वर्ल्ड वाइज 109 करोड़ का बिजनेस किया था। इस फिल्म की कहानी आर्टिकल 370 की कहानी कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के पीएम मोदी के फैसले पर देखने को मिली है। इस फिल्म में राजनीतिक मतभेद, ईर्ष्या और इस फैसले से प्रभावित अन्य चीजों को बखूबी दिखाया गया है। वही यामी गौतम ने फिल्म में IBF ऑफिसर का किरदार निभाया है और पीएम मोदी की भूमिका में अरुण गोविल दिखाई दिए है। इनके अलावा फिल्म में किरण कर्मकर और प्रिया मनिक नजर आई है और ये फिल्म आप कभी भी देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में यानी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 OTT पर रिलीज होने वाली, इसके बारे में जानकारी दूंगी। यानी गौतम और प्रिया मनिक स्टार फिल्म 370 फरवरी में सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया था। आदित्य सुहास जामले के निर्देशक और आदित्य धर द्वारा निर्मित राजनीतिक एक्शन थ्रिलर फिल्म दर्शकों को OTT पर रिलीज का इंतजार था और ये फिल्म अब OTT पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म में कुछ दिन पहले एक्टर यामी गौतम ने फिल्म सिनेमा घर में 50 दिन पूरे होने पर पोस्ट साझा किया था। अब जिस दर्शकों ने ये मूवी थिएटर में नहीं देख पाए हैं, वे अब OTT पर देख सकते हैं। ये फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है और नेटफ्लिक्स ने इसका पोस्टर साझा किया है और ये जानकारी दी है कि अब ये फिल्म कभी भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। आर्टिकल 370 इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 81 करोड़ का बिजनेस किया था और वर्ल्ड वाइज 109 करोड़ का बिजनेस किया था। इस फिल्म की कहानी आर्टिकल 370 की कहानी कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के पीएम मोदी के फैसले पर देखने को मिली है। इस फिल्म में राजनीतिक मतभेद, ईर्ष्या और इस फैसले से प्रभावित अन्य चीजों को बखूबी दिखाया गया है। वही यामी गौतम ने फिल्म में IBF ऑफिसर का किरदार निभाया है और पीएम मोदी की भूमिका में अरुण गोविल दिखाई दिए है। इनके अलावा फिल्म में किरण कर्मकर और प्रिया मनिक नजर आई है और ये फिल्म आप कभी भी देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में यानी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 OTT पर रिलीज होने वाली, इसके बारे में जानकारी दूंगी। यानी गौतम और प्रिया मनिक स्टार फिल्म 370 फरवरी में सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया था। आदित्य सुहास जामले के निर्देशक और आदित्य धर द्वारा निर्मित राजनीतिक एक्शन थ्रिलर फिल्म दर्शकों को OTT पर रिलीज का इंतजार था और ये फिल्म अब OTT पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म में कुछ दिन पहले एक्टर यामी गौतम ने फिल्म सिनेमा घर में 50 दिन पूरे होने पर पोस्ट साझा किया था। अब जिस दर्शकों ने ये मूवी थिएटर में नहीं देख पाए हैं, वे अब OTT पर देख सकते हैं। ये फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है और नेटफ्लिक्स ने इसका पोस्टर साझा किया है और ये जानकारी दी है कि अब ये फिल्म कभी भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। आर्टिकल 370 इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 81 करोड़ का बिजनेस किया था और वर्ल्ड वाइज 109
9 करोड़ का बिजनेस किया था। इस फिल्म की कहानी आर्टिकल 370 की कहानी कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के पीएम मोदी के फैसले पर देखने को मिली है। इस फिल्म में राजनीतिक मतभेद, ईर्ष्या और इस फैसले से प्रभावित अन्य चीजों को बखूबी दिखाया गया है। वही यामी गौतम ने फिल्म में आईबीएफ ऑफिसर का किरदार निभाया है और पीएम मोदी की भूमिका में अरुण गोविल दिखाई दिए हैं। इनके अलावा फिल्म में किरण करमरकर और प्रिया मलिक नजर आई है और ये फिल्म आप कभी भी देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 OTT पर रिलीज होने वाली, इसके बारे में जानकारी दूंगी। यामी गौतम और प्रिया मलिक स्टार फिल्म 370 फरवरी में सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया था। आदित्य सुहास जामले के निर्देशक और आदित्य धर द्वारा निर्मित राजनीतिक एक्शन थ्रिलर फिल्म दर्शकों को OTT पर रिलीज का इंतजार था और ये फिल्म अब OTT पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म में कुछ दिन पहले एक्टर यामी गौतम ने फिल्म सिनेमा घर में 50 दिन पूरे होने पर पोस्ट साझा किया था। अब जिस दर्शकों ने ये मूवी थिएटर में नहीं देख पाए हैं, वे अब OTT पर देख सकते हैं। ये फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है और नेटफ्लिक्स ने इसका पोस्टर साझा किया है और ये जानकारी दी है कि अब ये फिल्म कभी भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। आर्टिकल 370 इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 81 करोड़ का बिजनेस किया था और वर्ल्ड वाइड 109 करोड़ का बिजनेस किया था। इस फिल्म की कहानी आर्टिकल 370 की कहानी कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के पीएम मोदी के फैसले पर देखने को मिली है। इस फिल्म में राजनीतिक मतभेद, ईर्ष्या और इस फैसले से प्रभावित अन्य चीजों को बखूबी दिखाया गया है। वही यामी गौतम ने फिल्म में आईबीएफ ऑफिसर का किरदार निभाया है और पीएम मोदी की भूमिका में अरुण गोविल दिखाई दिए हैं। इनके अलावा फिल्म में किरण करमरकर और प्रिया मलिक नजर आई है और ये फिल्म आप कभी भी देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 OTT पर रिलीज होने वाली, इसके बारे में जानकारी दूंगी। यामी गौतम और प्रिया मलिक स्टार फिल्म 370 फरवरी में सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया था। आदित्य सुहास जामले के निर्देशक और आदित्य धर द्वारा निर्मित राजनीतिक एक्शन थ्रिलर फिल्म दर्शकों को OTT पर रिलीज का इंतजार था और ये फिल्म अब OTT पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म में कुछ दिन पहले एक्टर यामी गौतम ने फिल्म सिनेमा घर में 50 दिन पूरे होने पर पोस्ट साझा किया था। अब जिस दर्शकों ने ये मूवी थिएटर में नहीं देख पाए हैं, वे अब OTT पर देख सकते हैं। ये फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है और नेटफ्लिक्स ने इसका पोस्टर साझा किया है और ये जानकारी दी है कि अब ये फिल्म कभी भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। आर्टिकल 370 इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 81 करोड़ का बिजनेस किया था और वर्ल्ड वाइड 109 करोड़ का बिजनेस किया था। इस फिल्म की कहानी आर्टिकल 370 की कहानी कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के पीएम मोदी के फैसले पर देखने को मिली है। इस फिल्म में राजनीतिक मतभेद, ईर्ष्या और इस फैसले से प्रभावित अन्य चीजों को बखूबी दिखाया गया है। वही यामी गौतम ने फिल्म में आईबीएफ ऑफिसर का किरदार निभाया है और पीएम मोदी की भूमिका में अरुण गोविल दिखाई दिए हैं। इनके अलावा फिल्म में किरण करमरकर और प्रिया मलिक नजर आई है और ये फिल्म आप कभी भी देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 OTT पर रिलीज होने वाली, इसके बारे में जानकारी दूंगी। यामी गौतम और प्रिया मलिक स्टार फिल्म 370 फरवरी में सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया था। आदित्य सुहास जामले के निर्देशक और आदित्य धर द्वारा निर्मित राजनीतिक एक्शन थ्रिलर फिल्म दर्शकों को OTT पर रिलीज का इंतजार था और ये फिल्म अब OTT पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म में कुछ दिन पहले एक्टर यामी गौतम ने फिल्म सिनेमा घर में 50 दिन पूरे होने पर
पोस्ट साझा किया था। अब जिस दर्शकों ने ये मूवी थिएटर में नहीं देख पाए हैं, वे अब ओटीटी पर देख सकते हैं। ये फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है और नेटफ्लिक्स ने इसका पोस्टर साझा किया है और ये जानकारी दी है कि अब ये फिल्म कभी भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। आर्टिकल 370। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 81 करोड़ का बिजनेस किया था और वर्ल्ड वाइड 109 करोड़ का बिजनेस किया था। इस फिल्म की कहानी आर्टिकल 370 की कहानी कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के पीएम मोदी के फैसले पर देखने को मिली है। इस फिल्म में राजनीतिक मतभेद, ईर्ष्या और इस फैसले से प्रभावित अन्य चीजों को बखूबी दिखाया गया है। वही यामी गौतम ने फिल्म में आईबीएफ ऑफिसर का किरदार निभाया है और पीएम मोदी की भूमिका में अरुण गोविल दिखाई दिए हैं। इनके अलावा फिल्म में किरण करमरकर और प्रिया मलिक नजर आई है और ये फिल्म आप कभी भी देख सकते है, नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में यानी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 ओटीटी पर रिलीज होने वाली, इसके बारे में जानकारी दूंगी। यानी गौतम और प्रिया मलिक स्टार फिल्म 370 फरवरी में सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया था। आदित्य सुहास जामले के निर्देशक और आदित्य धर द्वारा निर्मित राजनीतिक एक्शन थ्रिलर फिल्म दर्शकों को ओटीटी पर रिलीज का इंतजार था और ये फिल्म अब ओटीटी पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म में कुछ दिन पहले एक्टर यामी गौतम ने फिल्म सिनेमा घर में 50 दिन पूरे होने पर पोस्ट साझा किया था। अब जिस दर्शकों ने ये मूवी थिएटर में नहीं देख पाए हैं, वे अब ओटीटी पर देख सकते हैं। ये फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है और नेटफ्लिक्स ने इसका पोस्टर साझा किया है और ये जानकारी दी है कि अब ये फिल्म कभी भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। आर्टिकल 370। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 81 करोड़ का बिजनेस किया था और वर्ल्ड वाइज 109 करोड़ का बिजनेस किया था। इस फिल्म की कहानी आर्टिकल 370 की कहानी कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के पीएम मोदी के फैसले पर देखने को मिली है। इस फिल्म में राजनीतिक मतभेद, ईर्ष्या और इस फैसले से प्रभावित अन्य चीजों को बखूबी दिखाया गया है। वही यामी गौतम ने फिल्म में आईबीएफ ऑफिसर का किरदार निभाया है और पीएम मोदी की भूमिका में अरुण गोविल दिखाई दिए हैं। इनके अलावा फिल्म में किरण करमरकर और प्रिया मलिक नजर आई है और ये फिल्म आप कभी भी देख सकते है, नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में यानी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 ओटीटी पर रिलीज होने वाली, इसके बारे में जानकारी दूंगी। यानी गौतम और प्रिया मलिक स्टार फिल्म 370 फरवरी में सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया था। आदित्य सुहास जामले के निर्देशक और आदित्य धर द्वारा निर्मित राजनीतिक एक्शन थ्रिलर फिल्म दर्शकों को ओटीटी पर रिलीज का इंतजार था और ये फिल्म अब ओटीटी पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म में कुछ दिन पहले एक्टर यामी गौतम ने फिल्म सिनेमा घर में 50 दिन पूरे होने पर पोस्ट साझा किया था। अब जिस दर्शकों ने ये मूवी थिएटर में नहीं देख पाए हैं, वे अब ओटीटी पर देख सकते हैं। ये फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है और नेटफ्लिक्स ने इसका पोस्टर साझा किया है और ये जानकारी दी है कि अब ये फिल्म कभी भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। आर्टिकल 370। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 81 करोड़ का बिजनेस किया था और वर्ल्ड वाइज 109 करोड़ का बिजनेस किया था। इस फिल्म की कहानी आर्टिकल 370 की कहानी कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के पीएम मोदी के फैसले पर देखने को मिली है। इस फिल्म में राजनीतिक मतभेद, ईर्ष्या और इस फैसले से प्रभावित अन्य चीजों को बखूबी दिखाया गया है। वही यामी गौतम ने फिल्म में आईबीएफ ऑफिसर का किरदार निभाया है और पीएम मोदी की भूमिका में अरुण गोविल दिखाई दिए हैं। इनके अलावा फिल्म में किरण करमरकर और प्रिया मलिक नजर आई है और ये फिल्म आप कभी भी देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में यानी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 ओटीटी पर रिलीज होने वाली, इसके बारे में जानकारी दूंगी। यानी गौतम
और प्रिया मनिक स्टार फिल्म 370 फरवरी में सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया था। आदित्य सुहास जामले के निर्देशक और आदित्य धर द्वारा निर्मित राजनीतिक एक्शन थ्रिलर फिल्म दर्शकों को OTT पर रिलीज का इंतजार था और ये फिल्म अब OTT पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म में कुछ दिन पहले एक्टर यामी गौतम ने फिल्म सिनेमा घर में 50 दिन पूरे होने पर पोस्ट साझा किया था। अब जिस दर्शकों ने ये मूवी थिएटर में नहीं देख पाए हैं, वे अब OTT पर देख सकते हैं। ये फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है और नेटफ्लिक्स ने इसका पोस्टर साझा किया है और ये जानकारी दी है कि अब ये फिल्म कभी भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। आर्टिकल 370। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 81 करोड़ का बिजनेस किया था और वर्ल्ड वाइड 109 करोड़ का बिजनेस किया था। इस फिल्म की कहानी आर्टिकल 370 की कहानी कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के पीएम मोदी के फैसले पर देखने को मिली है। इस फिल्म में राजनीतिक मतभेद, ईर्ष्या और इस फैसले से प्रभावित अन्य चीजों को बखूबी दिखाया गया है। वही यामी गौतम ने फिल्म में IBF ऑफिसर का किरदार निभाया है और पीएम मोदी की भूमिका में अरुण गोविल दिखाई दिए हैं। इनके अलावा फिल्म में किरण कर्मकर और प्रिया मनिक नजर आई है और ये फिल्म आप कभी भी देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 OTT पर रिलीज होने वाली, इसके बारे में जानकारी दूंगी। यामी गौतम और प्रिया मनिक स्टार फिल्म 370 फरवरी में सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया था। आदित्य सुहास जामले के निर्देशक और आदित्य धर द्वारा निर्मित राजनीतिक एक्शन थ्रिलर फिल्म दर्शकों को OTT पर रिलीज का इंतजार था और ये फिल्म अब OTT पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म में कुछ दिन पहले एक्टर यामी गौतम ने फिल्म सिनेमा घर में 50 दिन पूरे होने पर पोस्ट साझा किया था। अब जिस दर्शकों ने ये मूवी थिएटर में नहीं देख पाए हैं, वे अब OTT पर देख सकते हैं। ये फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है और नेटफ्लिक्स ने इसका पोस्टर साझा किया है और ये जानकारी दी है कि अब ये फिल्म कभी भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। आर्टिकल 370। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 81 करोड़ का बिजनेस किया था और वर्ल्ड वाइड 109 करोड़ का बिजनेस किया था। इस फिल्म की कहानी आर्टिकल 370 की कहानी कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के पीएम मोदी के फैसले पर देखने को मिली है। इस फिल्म में राजनीतिक मतभेद, ईर्ष्या और इस फैसले से प्रभावित अन्य चीजों को बखूबी दिखाया गया है। वही यामी गौतम ने फिल्म में IBF ऑफिसर का किरदार निभाया है और पीएम मोदी की भूमिका में अरुण गोविल दिखाई दिए हैं। इनके अलावा फिल्म में किरण कर्मकर और प्रिया मनिक नजर आई है और ये फिल्म आप कभी भी देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 OTT पर रिलीज होने वाली, इसके बारे में जानकारी दूंगी। यामी गौतम और प्रिया मनिक स्टार फिल्म 370 फरवरी में सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया था। आदित्य सुहास जामले के निर्देशक और आदित्य धर द्वारा निर्मित राजनीतिक एक्शन थ्रिलर फिल्म दर्शकों को OTT पर रिलीज का इंतजार था और ये फिल्म अब OTT पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म में कुछ दिन पहले एक्टर यामी गौतम ने फिल्म सिनेमा घर में 50 दिन पूरे होने पर पोस्ट साझा किया था। अब जिस दर्शकों ने ये मूवी थिएटर में नहीं देख पाए हैं, वे अब OTT पर देख सकते हैं। ये फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है और नेटफ्लिक्स ने इसका पोस्टर साझा किया है और ये जानकारी दी है कि अब ये फिल्म कभी भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। आर्टिकल 370। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 81 करोड़ का बिजनेस किया था और वर्ल्ड वाइड 109 करोड़ का बिजनेस किया था। इस फिल्म की कहानी आर्टिकल 370 की कहानी कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के पीएम मोदी के फैसले पर देखने को मिली है। इस फिल्म में राजनीतिक मतभेद, ईर्ष्या और इस फैसले से प्रभावित अन्य चीजों को बखूबी दिखाया गया है। वही यामी गौतम ने फिल्म में IBF ऑफिसर का किरदार निभाया है और पीएम मोदी की भूमिका में अरुण गोविल दिखाई दिए हैं।
इनके अलावा फिल्म में किरण कर्मकर और प्रिया मनिक नजर आई है और ये फिल्म आप कभी भी देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में यानी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 OTT पर रिलीज होने वाली, इसके बारे में जानकारी दूंगी। यानी गौतम और प्रिया मनिक स्टार फिल्म 370 फरवरी में सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया था। आदित्य सुहास जामले के निर्देशक और आदित्य धर द्वारा निर्मित राजनीतिक एक्शन थ्रिलर फिल्म दर्शकों को OTT पर रिलीज का इंतजार था और ये फिल्म अब OTT पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म में कुछ दिन पहले एक्टर यामी गौतम ने फिल्म सिनेमा घर में 50 दिन पूरे होने पर पोस्ट साझा किया था। अब जिस दर्शकों ने ये मूवी थिएटर में नहीं देख पाए हैं, वे अब OTT पर देख सकते हैं। ये फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है और नेटफ्लिक्स ने इसका पोस्टर साझा किया है और ये जानकारी दी है कि अब ये फिल्म कभी भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। आर्टिकल 370 इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 81 करोड़ का बिजनेस किया था और वर्ल्ड वाइज 109 करोड़ का बिजनेस किया था। इस फिल्म की कहानी आर्टिकल 370 की कहानी कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के पीएम मोदी के फैसले पर देखने को मिली है। इस फिल्म में राजनीतिक मतभेद, ईर्ष्या और इस फैसले से प्रभावित अन्य चीजों को बखूबी दिखाया गया है। वही यामी गौतम ने फिल्म में IBF ऑफिसर का किरदार निभाया है और पीएम मोदी की भूमिका में अरुण गोविल दिखाई दिए है। इनके अलावा फिल्म में किरण कर्मकर और प्रिया मनिक नजर आई है और ये फिल्म आप कभी भी देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है।